वर्तमान चीन रे होइथिबा भूमिकंप जे भली भाबरे एबे पुनर्बार चीन को झटका देई संभवत एहा जदि आगु को चली आहुरी लागी लागी हुए ताहले चीन पई एको बड़ा विपर्जय समय उपस्थित होबो। अपातत एही भूमिकंप को देखिले आकलन करि हेउछि। चीन रे निकट रे 7.1 शतकड़ा तीव्रतार एक भूमिकंप देखा मिलता जहाँकि चीन रिंजियांग प्रदेश एवं किर्गिजिस्तान चीन रीमा क्षेत्र में एभली एक भूमिकंप आसी यार प्रभाव में दिल्ली एनसीआर रे मध्य झटका देखा मिलता एवं लगातार चीन रे भूमिकंप आसवर जो घटना एवं सामना को आसी जदि कौन बाटर चीन को त्राही न मिले प्राकृतिक विपर्जय चीन मुकुली न पारे ताहले संभवतः इति बड़ विशाल साम्राज्य धीरे धीरे भुशुड़ चीन पई काल हवा मध्य देखा जीवो। एहा पछरे विशारद माने जो आकलन गुड़िक करिचंती संभवतः यह चीन को नहीं करा जाएगी एवं चीन रो जदि पूरा भौगोलिक सीमा देखिबा ताहले प्राय प्राय चीन रो 70 शतकड़ा लोक पर्वतीय अंचल एवं समतल अंचल रे बास करथांती। 2/3 चाइनार अंचल जो भली भावरे रही विपद घेर रही कौ विपद बन्या विपद घेर चीन रो पाखापाखी 2/3 अंचल बन्यार सबुबले विपत्ति भितर बन्यार बलय भितर रही तेणु सबुठ बड़ कथा हला प्रतिवर्ष साधारण भावरे चाइनारे प्राय 5 शतकड़ा लगातार मात्रा रे भूमिकंप आथिबार देखा जाय थाए। जदि आमे वर्तमान रो 7.1 तीव्रता कहिले एहा बहु प्रलयंकरी भूमिकंप बोली धरा जाए जेउथिरे कहा जाउची कि प्राय 120 टी बिल्डिंग नष्ट होई जायची एवं मोटामोटी भाबरे अनेक लोक बेघर होई जायचंती। मृताहतंक संख्या तो सामना को आसी नाही किंतु एभली एक भूमिकंप निश्चित मात्रा रे एक बड़ विपर्जय सृष्टि करिवारे समर्थ एक आकलन करा जाउची। जदि आमे चाइनार अर्थनीति को भूमिकंप प्रभावित करिबा कथा कहिबा ताले एहार जो आरंभ प्राय प्राय 1500 शताब्दी रु ही होई 1556 मसीहा रे चीन रे एक भूमिकंप आसला जो थे 8 लक्ष लोक मरीले। 1920 मसीहा रे एक भूमिकंप आसला जो थे 2.5 लक्ष लोक 2.5 लक्ष लोक मरीले। 1987 रे जो भूमिकंप चीन रे आसीला 40,000 मरीले। 2018 2000 लोक मृत्युवरण करते एवं डिसेम्बर 2023 जो भूमिकंप आसला एथिरे 100 जनकर मृत्यु दर्ज होता बेले जनवरी 2024 आरंभ रु एक बड़ धरण भूमिकंप जिनजियांग प्रदेश में जहाँकि उइगर मुसलमान मानकर कथा नहीं बेस आलोचनार स्थल एथिरे एक भूमिकंप जबरदस्त झटका देची चीन को। तेणु सबुठ बड़ कथा हला जदि 1989 90 रु 2018 पर्यंत आमे आकलन करिबा एहा सीधा सड़ख एभली भूमिकंप गुड़िक चीन रो अर्थनीति को सीधा सड़ख आघात दे चली। जदि आमे 1989 रु 2018 पर्यंत हिसाब करिबा ताहले मोटामोटी चीन प्राय 1698 बिलियन डॉलर रो क्षति सही सारलानी एवं सीधा सड़ख जदि कहिबा टंका आकार रे ताहले 47 बिलियन रो सीधा सड़ख क्षति चीन सहिछि। 47 बिलियन किछि कम टंका नुह एवं एथिरे सबुठारु बड़ व्याघात हला कि जो मैंने चाषवास करी पेट पोषंती चीन रो चाषी माने बा सच्य अमल कथा जदि कुहा जाए एथिरे प्राय 10 शतकड़ा रो ह्रास घटी कारण प्राकृतिक विपत्ति। तेणु एभली भावरे चीन जो स्थान रे भौगोलिक सीमार अवस्थित भूमिकंप निश्चित मात्रा रे चीन को आक्रांत करिवा स्वाभाविक कारण मोटामोटी जदि आमे देखिबा ताहले इंडियन प्लेट हो यूरो एशियन प्लेट हो सेंट्रल प्लेट हो एमानंक मझीरे चीन बसी जाइछि एवं लगातार एही प्लेट गुड़िक गतिशील होइथवा संभवतः चीन पई भूमिकंपर एक विराट विराट स्तूप सृष्टि करिबारे आरंभ करिछि। लद्दाख मध्य एभली एक संघातपूर्ण स्थान रे अवस्थित तेणु प्लेट गुड़िक बहु व्यवधान हेले लार्भा उठी एठारे विराट विराट पर्वत सृष्टि हुए। गोटे प्लेट तल को जदि खसी जाए अंटे ऊपर को आसे ताहले भूमिकंपर बहु क्षय क्षति देखा दे था। यह हिसाब से चाइनार किसी रणनीति निश्चित मात्रा रे भूल रही कहवाक हम कारण जो क्षय क्षति चाइना बोई थाए एथिरे जदि आमे
ଚାଇନାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାଗଜ କଲମରେ ଏହା ବେଶ ବଳିଷ୍ଠ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଥାଏ, ଘର ତିଆରି କରାଯାଏ, ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପଦ ଆସିଲେ ଚୀନରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚୀନର ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପରିମାଣ ଯଦିଓ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଚୀନରେ ଏହା ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହି। ତେଣୁ ଚୀନର ସାମୁଦ୍ରିକ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଲୋକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ 70% ଜନଗହଳି ସମତଳ ଏବଂ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଭୂକମ୍ପର ଝଟକା ଏହା ସମ୍ଭବତଃ ଚୀନକୁ ଯଦି ଲାଗି ରହେ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ବିତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଅପାତତଃ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଏହି ଆକଳନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302, 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।